हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बेस्ट बजट टूर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, इस बार कैसे हो रहे हैं। इस बार यात्रा 29 जून से लेके 19 अगस्त तक चलने वाली है, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 15 अप्रैल से ऑनलाइन आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पे जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आज आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको जाना है अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके लिए मैं लिंक आपको, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी आपको दे दूंगा। और आप चाहें तो गूगल पर भी आप टाइप कर सकते हैं अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ यात्रा 2024 आप टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी, इसके बाद में आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है इनकी ऑनलाइन सर्विसेज पर। दोस्तों, एक बात याद रहे, आपको इस ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास रेडी नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म है वो जो किस तरह से फॉर्म है मेडिकल वाला। ये मेडिकल फॉर्म है जो ओपन हो रहा है, इस तरह का वो मेडिकल फॉर्म है जो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस पे चुनिंदा डॉक्टरों द्वारा ही इस फॉर्म को आपको भरवा के लाना है, उनसे सिग्नेचर करा के लाना है, जिससे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको सीधे आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑनलाइन सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे और यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको टर्म कंडीशन पढ़ लेना है। सबसे पहले फॉर्म फिल होगा, फिर वेरीफाई ओटीपी करना होगा आपको, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो है आपको एसएमएस के द्वारा सेंड कर दी जाएगी, उसके बाद फीस पे होगी और उसके बाद यात्रा परमिट हम डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 साल से छोटे और 70 साल से बड़े लोगों को अलाउड नहीं है इस यात्रा में जाना। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन विद मोर देन 6 वीक्स प्रेगनेंसी आर नॉट अलाउड। प्रेगनेंट वुमेन को भी यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है। आपको अपने साथ में एक फोटो आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। अब स्टार्ट करते हैं, हम नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, आई एग्री और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, रूट ऑफ यात्रा और डेट ऑफ यात्रा, ठीक है। तो आप इसमें दो मार्ग से यात्रा होती है, एक बालटाल मार्ग है, एक पहलगाम मार्ग है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी मार्ग से आप जाना चाहते हैं, आप इसमें चूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम पहलगाम के लिए यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं, पहलगाम हम सेलेक्ट करते हैं। और डेट ऑफ यात्रा, आपको किस डेट में यात्रा करनी है, एग्जाम्पल के लिए हम 2 जुलाई चूज करते हैं और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं। 2 जुलाई के पूरे कंप्लीट आ रहे हैं, फुल, कोई भी खाली नहीं है। 3 जुलाई का चेक करते हैं, 1112 अभी परमिट खाली है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको अपना नेम भरना होगा, इसके बाद आपको अपना फादर्स, अपना फुल नेम इसमें आपको भरना होगा, उसके बाद फादर्स नेम आपको भरना होगा, उसके बाद अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आप जो भी मोबाइल नंबर है इसमें वही मोबाइल नंबर दीजिए जिस पे आपके ओटीपी आ पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं इसमें अभी टेम्प्ररी मोबाइल नंबर ऐसे ही डाल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर हमें फिल करना है, इसमें ईमेल आईडी देना आप ना भूलें, क्योंकि कई बार मोबाइल पे एसएमएस नहीं आता है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आधार नंबर आपको भरना है, आधार नंबर भरना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं।
कई बार अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप आधार नंबर भर रहे हैं उसके बाद फॉर्म पूरा सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्टेट भरेंगे, यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और अपना नेम ऑफ नेक्स्ट किन, मतलब जो आपके सबसे करीबी रिलेटिव हैं आप उनका नाम यहाँ पे भर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम भी भर सकते हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, फादर हैं तो फादर, अपना ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, इसमें ब्लड ग्रुप सही भरना है आपको। यहाँ पे यात्री का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे भर दीजिए, जिससे आपको कोई भी समस्या। स्पेशल करेक्टर का आप ध्यान दीजिए, स्पेशल करेक्टर यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है। अपनी नेशनैलिटी आप भरेंगे, उसके बाद आपने जिस स्टेट से जहाँ से मेडिकल कराया हुआ है उस मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आप दिल्ली से हैं तो आप कोशिश करिए कि दिल्ली से ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, दिल्ली में कौन से, आप नॉर्थ ईस्ट चूज कर सकते हैं, जो भी आपका जहाँ से आपने मेडिकल बनवाया है उस हिसाब से आप चूज करें। उसके बाद हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं आप यहाँ से, और अथॉरिटी नेम, अपना फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जिस डेट पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू कराया है, जैसे आपने मेडिकल 15 तारीख को बनाया है तो आप यहाँ पे 15 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको भर के आई एग्री और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका यात्रा फॉर्म रेडी हो जाएगा, जिसमें आपको एक टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन ID दिया जाएगा। तो जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा।